हेलो एवरीबॉडी, एसबीआई पे में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको बताने वाले हैं एसबीआई पे में जैसे कि सुपर डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंदर रिटेलर कैसे क्रिएट करेंगे, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे क्रिएट करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने एक सुपर पैनल लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ से आपको अपना लॉगिन कर लेना है, यहाँ पर अपना आईडी जो भी है आपका सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी। ठीक है, यहाँ से लॉगिन करने के बाद ट्रांजैक्शन पिन एंटर करना है आपको। ये आपका लॉगिन हो गया। अभी आपको जाना है, ये कॉर्नर में दिख रहा है ना एसबीआई पे के बगल में, इस पर क्लिक करना है। आपको आना है यहाँ पे न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, न्यू मेंबर रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे मेंबर टाइप चूज करना है आपको, क्या बनाना है। ठीक है, रिटेलर बनाना है तो रिटेलर चूज कीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, यहाँ पे आपको पैकेज में रिटेलर बनाइएगा तो आरटी चूज करना है और डिस्ट्रीब्यूटर बनाइएगा तो डीटी चूज करना है। तो हम फिलहाल रिटेलर बनाए रहे तो आरटी चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, उसका फर्स्ट नेम भरना है जैसे कि मेरा नाम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका जो है कि जो भी आपका सेकेंड नाम होगा, लास्ट नाम होगा, वो नाम डालना है आपको। यहाँ पर स्टेट चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। यहाँ पे आपका जो है कि उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, उनका ईमेल आईडी अपडेट करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस एंटर करना है जिसका आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं आपका जो है कि इनका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इनका रजिस्ट्रेशन उनको चेक कैसे करें, तो आपको आना है यहाँ मेंबर लिस्ट में, मेंबर लिस्ट आपको शो हो रहा होगा, मेंबर लिस्ट में आकर के क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए जो हमने रिटेलर क्रिएट किया उसका डिटेल्स यहाँ पे शो हो गया, उसका आईडी शो हो गया, मेंबर आईडी, उसका नाम शो हो गया, उनका मोबाइल नंबर, उनका जीमेल आईडी, उनका एड्रेस। यहाँ पर अभी देखिए यहाँ पर नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, ये अपना AEPS का KYC कम्प्लीट नहीं किए हैं, इसी के वजह से नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है। ठीक है, ये जब KYC कर लेंगे तो आपको एक्टिव दिखाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है। आपको बताना था कि कैसे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऐड किया जाता है SBI Pay में मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा।